Really sad. हाय सनी, सुना है कि आज पुलिस के साथ काफी आंख मिचोली हुई। माल कहां है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चमकता हुआ सितारा। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू अमर। हम तुमसे बहुत खुश हैं। और मैं आपसे बहुत दुखी हूं। आज आपके आदमियों ने वो हरकत की है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम्हारा इशारा मोहन की तरफ तो नहीं? उस इंसान की तरफ है जो जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहा, दिन रात मेहनत करके आपकी तिजोरी भरता रहा, और आज आपने उसे कुत्ते की मौत मरवा डाला। हमने उसे नहीं मरवाया अमर, बल्कि वो खुद मौत की आगोश में चला गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर वो आदमी जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाता है, और हम उस खतरे को वक्त से पहले ही खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है आपकी नजरों में इंसान की कोई कीमत नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंसानों की नहीं बल्कि काम करने वालों की जरूरत होती है। जज्बात, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इन चीजों की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस हमारे लिए मौत है। मोहन गिरफ्तार हो चुका था और उसके जरिए पुलिस हम तक पहुंच सकती थी, इसीलिए हमने पुलिस के रास्ते की पहली सीढ़ी काट डाली। तो इतने सालों से मुझे अंधेरे में रखा गया था। मैं नहीं जानता था इतने गैर इंसानी असूल हैं आपके। मैं इन्हें मानने से इनकार करता हूं, इसलिए आज आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहा हूं। बकूफ, हमारा आदमी पहले जिंदगी से अलग होता है, बाद हमसे। मगर मैं जीते जी अलग हो रहा हूं। आज अपनी डायरी से अमर का नाम हमेशा के लिए काट देना। इसका अंजाम जानते हो? मौत से ज्यादा तो नहीं होगा। फूल, उसे मैं भी मार सकता था, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर इसने पुलिस के सामने अपने खिलाफ जबान खोल दी तो? नहीं, वो बहादुर है। अगर उसके कदम मेरी गोलियां नहीं रोक सकी तो उसकी जुबान पुलिस भी नहीं खोल सकती।
अरे डार्लिंग तू रो रही है? पापा मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे। ओह सॉरी डार्लिंग, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आओ चलें।